तो भूटान में 23 से 26 नवंबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भारतीय दल में झारखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो वहीं चयन खिलाड़ियों में मुकेश कंचन, सनोज महतो, महिमा उरांव और अंसुता टोपो है। तो प्रतियोगिता का मूल खर्च अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं वीजा, स्थानीय खर्चा सहित अन्य खर्च प्रत्येक खिलाड़ियों को खुद वहन करना पड़ता है। झारखंड के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ी रकम है, जिसके कारण वो प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित हो सकते हैं। लेकिन खिलाड़ी सनोज महतो और अंसुता टोपो का स्पॉन्सर मिल गया है, जबकि महिमा उरांव और मुकेश कंचन को भाजपा नेता कमलेश राम द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दोनों खिलाड़ियों को चेक सौंपा है। अब भारत के पारा थ्रो बॉल जो खिलाड़ी हैं, जो भारत टीम में जगह इन्होंने बनाया है, झारखंड के 4 खिलाड़ी, उनमें से एक महिमा उरांव है और एक कंचन मिंज है। और आज बाबूलाल मरांडी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे, क्योंकि आप 21 को निकलना है, 23 से 26 जैसे प्रतियोगिता में शामिल होना है, टूर्नामेंट में शामिल होना है। और इन्होंने मुझे आग्रह किया था, चूँकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानते भी हैं कि मैं दिन रात लोगों के सेवा में तत्पर रहता हूँ, और जो मेरा पास है वो जनता का है, जो मेरा पास है वो छात्रों का है, मेरा पास है वो खिलाड़ियों का है। तो मैं अपने सब कुछ, मैंने सब कुछ मैंने कुर्बान करता हूँ। तो ये चीज़ लोग सब कुछ जानते हैं। तो इनके, चूँकि इनका खर्चा हो चुका था, मैंने पूर चुका था इनका, 2 खिलाड़ी का, सनोज और खिलाड़ी का असुंता का हो गया था। लेकिन ये लोग, महिमा मेरे बहन है और भाई मेरा कंचन, मुकेश कंचन है, इनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी। तो मुझे आग्रह किया, क्योंकि सरकार भी करता और समाज को भी भागीदारी है, क्योंकि भारत के देश के अंदर कई खेल हैं, तो सब खेल को सब तरह सरकार सपोर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन हर खेल का महत्व है, तो हम हर खेल को महत्व देते हैं। और इनका जो खेल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मेरी ओर से जो इनका डिमांड है, 10,000 इनको, 10,000 इनको जो डिमांड था, तो मैं तुरंत ही कहा, मैं तुरंत आपको व्यवस्था करके ला कर देता हूँ। और मैं इसलिए तो हर लोग खुश होता है और मैं भी खुश हूँ। और विशेष मेरी खुशी का कारण यह है कि कमलेश जी खुद एक युवा हैं, और समाज में एक युवा पीढ़ी जब दूसरे को मदद करने के लिए बाहर निकलता है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। यानी कि हमारा जो समाज है, जो कई लोग कहते हैं कि नशा की ओर है युवा और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ऐसा भी एक समाज है कि जहां युवा एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, और खिलाड़ियों की अपनी बहुत सारी समस्याएं होती है, वो हम लोग समस्याएँ सरकार तक पहुँचाते हैं। सरकार हम लोगों को आने जाने में मदद नहीं कर पाती है, चूँकि जब आप मेडल लाते हैं और सारी चीज़ें लाते हैं तो वो सरकार का अपना एक प्रोसीजर है, पर जाने समय हम लोगों को जो राशि की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए कई बार हम लोग समाज से, सोशल वर्करों से ये उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को आने जाने का पैसा मिल जाए, ताकि घर से हम लोग इतना पैसा नहीं लगा पाते हैं, प्रैक्टिस में भी हम लोगों का बहुत सारा खर्च होता है। तो इस बार जो कमलेश जी हैं, जिनका KR फाउंडेशन के नाम से ये वर्क करते हैं, और हम लोगों ने वीडियो में भी कई बार देखा कि ये समाज में बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन को